हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौरव अडवाणी और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द ऑल न्यू टाटा एल्ट्रॉस रेसर के बारे में। रेसर एज द नेम सजेस्ट नॉर्मल टाटा एल्ट्रॉस का एक ज़्यादा स्पोर्टियर वर्जन है जिसमें आपको ओवरऑल कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, नए फीचर्स एड ऑन किए गए हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंटली आपको मिलता है एक नया पावरफुल इंजन ऑप्शन विच वी विल डिस्कस लेटर इन द वीडियो। जो रेसर एडिशन है वो आपको ओवरऑल तीन वेरियंट्स में अवेलेबल होगा, दैट इज़ R1, R2 एंड R3, जिसमें स्पेसिफिक जो वेरियंट आज हम देखने वाले हैं दैट इज़ द R2, जो कि आप कह सकते हैं द मिड वेरियंट है या फिर सेकेंड टॉप मॉडल है। आज हम वॉक अराउंड में डिस्कस करेंगे कि आपको R2 वेरिएंट के साथ ओवरऑल क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है एंड क्या ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनता है अगर आप टाटा एल्ट्रॉस में रेसर एडिशन बाय करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलर ऑप्शन की, तो कलर ऑप्शन जो आज हम देखने वाले दैट इज व्हाइट कलर, जो कि ओवरऑल आपको एक्सटीरियर में देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद ड्यूअल टोन फिनिश। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े चेंज दैट इज इंजन ऑप्शन के बारे में। तो टाटा एल्ट्रॉस की रेसर एडिशन में आपको देखने को मिलता है 3 सिलेंडर 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 120 PS या फिर आप कह सकते हैं 118 BHP की पावर एंड टॉक फिगर वाइज आप प्रोड्यूस करता है 170 NM का टॉक। ट्रांसमिशन ऑप्शन में आपको एल्ट्रॉस रेसर के साथ सिर्फ मैनुअल ऑन ऑफर होगा, ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा एल्ट्रॉस रेसर में। ऑल्सो अगर आप इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस पर्टिकुलर टाटा एल्ट्रॉस या फिर कोई भी टाटा का प्रोडक्ट, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्रगति टाटा को एट द डिस्प्ले नंबर जो आपको अभी शोकेस हो रहा है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स अ वॉक अराउंड ऑफ द कार। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कार के एक्सटीरियर के साथ। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कि आपको एक्सटीरियर से ओवरऑल टाटा एल्ट्रॉस रेसर के R2 वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के मेन हेडलैम्प सेटअप के बारे में। तो मेन हेडलैम्प सेटअप में आपको मिलता है प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प यूनिट। हाई बीम के लिए आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस्ड मिलता है। जो टर्न इंडिकेटर्स अगेन आपको हेलोजन में ही देखने को मिलते हैं। फ्रंट फॉग लैंप्स अवेलेबल है अलॉन्ग विद LED DLS जो कि आपको यहाँ पर प्लेस किए जाते हैं। जो हेडलैम्प है मोर ओवर सेम ही है आपको जो नॉर्मल एल्ट्रॉस में ऑफर किया जाता है। फ्रंट की ग्रिल आपको ओवरऑल ऐसी कुछ डिज़ाइन में ऑन ऑफर की जाती है विद ग्लॉस ब्लैक फिनिश। टाटा का लोगो है इन द सेंटर एंड आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाता है R2 वेरिएंट में, जो कि यहाँ पे प्लेस किया जाता है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। फ्रंट से जो सबसे बड़ा मेजर चेंज आप नोटिस करेंगे टाटा एल्ट्रॉस रेसर में, दैट इज़ आपको जो पूरा बोनट पार्ट है वो आपको ऑल ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है अलॉन्ग विद वाइट स्ट्रिप्स जो कि आपको यहाँ पे सेंटर में रन अक्रॉस करती है। ऑल्सो यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स दोनों फीचर मिल जाते हैं जिसका सेंसर आपको विंडशील्ड पे यहाँ पे प्लेस किया गया है। चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। तो साइड में इसको मिलते हैं 16 इंच के ऑल ब्लैक एलॉय व्हील्स। जो डिज़ाइन है वो नॉर्मल एल्ट्रॉस से सेम ही रखा गया है, इट्स जस्ट कि आपको ऑल ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है एल्ट्रॉस के रेसर एडिशन में। अगेन एक ज़्यादा स्पोर्टी फिनिश देता है। टायर प्रोफाइल इज 185/60 R16। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाती है। रेसर की बैजिंग की गई है यहाँ पे साइड प्रोफाइल में एज यू कैन सी। टर्न इंडिकेटर्स एज यूजुअल आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। जो ORVMs है आपको ऑल ब्लैक फिनिश में देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विद साइड पार्किंग कैमरा जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। जो ओवरऑल रूफ है वो भी आपको ड्यूअल टोन सॉर्ट ऑफ ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है। वाइट स्ट्रिप्स आपको वहाँ तक कंटिन्यू मिलती है जो कि हमने आगे देखी बोनट में यहाँ पे मिलती है। R2 वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी देखने को मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना ऑन ऑफर है। डोर हैंडल्स की बात करें तो आपको नॉर्मल बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ जो कि आपको ड्राइवर साइड पे प्लेस किया गया है। यहाँ पे अगेन आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश ही देखने को मिलती है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड ऑफ द कार। बात करते हैं कि रियर से ओवरऑल क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है। तो अगेन जो टेल लैम्प सेटअप है वो आपको सेम देखने को मिलता है, दैट इज़ आपको यहाँ पे टेल लैम्प सेटअप प्लेस किया गया है। टर्न इंडिकेटर्स अगेन हेलोजन में ही है। यहाँ पे आपको आई टर्बो प्लस की बैजिंग देखने को मिल जाती है। टाटा का लोगो है इन द सेंटर। रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, वॉशर एंड आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी प्लेस किया गया है। ऑल्सो टाटा एल्ट्रॉस रेसर में आपको यहाँ पे ज़्यादा अग्रेसिव लुकिंग स्पॉइलर प्लेस किया जाता है एज यू कैन सी, जो कि अगेन एक ज़्यादा अग्रेसिव लुक देता है फ्रॉम द रियर। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर एंड। पीछे की तरफ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा प्लेस किया गया है LED लाइट्स एंड नंबर प्लेट के लिए। एल्ट्रॉस की बैजिंग आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक फिनिश में देखने को मिलती है जो कि ज़्यादा एविडेंट नहीं होगी डे नाइट या फिर स्पेशली नाइट कंडीशंस में। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ही मिलते हैं, चार नहीं मिलते हैं। बात करते हैं कार के बूट स्पेस के बारे में। तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर प्लेस किया जाता है टाटा के लोगों के पीछे। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ से बूट स्पेस एक्सेस कर सकते हैं। पार्सल ट्रे ऑफकोर्स ऑन ऑफर है एंड जो बूट स्पेस है वो आपको ओवरऑल 345 लीटर्स की अराउंड मिल जाती है। हेलोजन बूट लैम्प भी ऑन ऑफर है इस पर्टिकुलर R2 वेरिएंट में एंड जो पीछे की सीट से वो आपको 60-40 स्प्लिट में देखने को नहीं मिलती है, बेंच टाइप में ही है। हुक्स मिल जाते हैं आपको दोनों ही तरफ एंड एज आई मेंशन आपको पार्सल ट्रे भी ऑन ऑफर है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर।
अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में कि बेसिकली आपको इंटीरियर से ओवरऑल क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है। सबसे पहले जो डोर्स हैं एज यूजुअल आपको एल्ट्रॉस की तरह 90 डिग्री ओपनिंग वाले एंगल पर मिल जाते हैं एज यू कैन सी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्राइवर साइड डोर के साथ ही। तो डोर पर आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जो ORVMs हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं, आपको ऑटो फोल्ड का फीचर भी देखने को मिल जाता है। इंटीरियर डोर हैंडल्स आपको ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। ट्विटर यहाँ पर प्लेस किया गया है, स्पीकर यहाँ पर प्लेस किया जाता है। ओवरऑल R2 वेरिएंट में आपको चार स्पीकर्स मिल जाते हैं, चार ट्विटर्स भी देखने को मिलते हैं। स्पेस है बॉटल रखने के लिए थोड़ी सी, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल सॉर्ट ऑफ फिनिश है एंड आर्मरेस्ट एरिया में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। ओवरऑल ऑन द डैशबोर्ड आपको तीन बटन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन प्लेस किया गया है हियर। यहाँ पे 360 कैमरा एक्सेस करने के लिए आपको डेडिकेट बटन प्लेस किया जाता है एज यू कैन सी एंड फ्रंट फॉग लैम्प स्विच ऑन करने के लिए आपको टॉप पे बटन प्लेस किया गया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको ऑन ऑफर है एंड एल्ट्रॉस रेसर में जो एसी वेंट्स है उसके अराउंड आपको यहाँ पे ऑरेंज एक्सेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगेन जो थीम है एल्ट्रॉस रेसर की वो आपको सेम इंटीरियर में भी देखने को मिलती है। बात करते हैं फ्रंट सीट्स की, तो फ्रंट सीट्स आपको ऑल ओवर ब्लैक लेदरेट अपोल्स्ट्री में देखने को मिलती है। जो ओवरऑल सीट्स है दैट लुक क्वाइट गुड। ओवरऑल अपोल्स्ट्री जो है वो आपको लेदरेट है, कलर ब्लैक है ना, आपको यहाँ पे ऑरेंज स्टिचिंग देखने को मिलती है सराउंड में। जो ऑरेंज और वाइट की स्ट्रिप्स है वो आपको कैरी फॉरवर्ड की जाती है यहाँ पे एंड ऑन द सीट्स। रेसर की बैजिंग आपको ऑन द हेडरेस्ट की जाती है। जो ड्राइवर सीट है ऑफकोर्स आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है रिक्लाइन के लिए, रीच के लिए। वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है लेकिन वो आपको सिर्फ R3 वेरिएंट दैट इज टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर की जाएगी। बात करते हैं कार की के बारे में, तो की में एज सच कोई भी कॉस्मेटिक चेंज भी देखने को नहीं मिलता है, सेम है जो हमने अक्रॉस टाटा की लाइनअप में देखी है। लॉक अनलॉक टू फाइंड योर कार एंड टू ओपन द बूट, वही सेम की आपको ऑफर की जाती है रेसर एडिशन में भी। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील के बारे में। तो स्टीयरिंग व्हील का जो ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज है वो सेम ही रखा गया है जो हमने नॉर्मल एल्ट्रॉस में देखा था। आपको यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, इट्स जस्ट कि आपको यहाँ पे लेदर रैप्ड तो मिलता ही है कि आपको यहाँ पे ऑरेंज स्टिचिंग भी देखने को मिल जाती है। जो हमने थीम देखी एल्ट्रॉस रेसर में आपको काफ़ी सारी जगह ऑरेंज का यूज़ किया गया है, तो वही चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो स्टिचिंग है वो ऑरेंज कलर में की गई है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे म्यूजिक कॉल बेसिकली इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड पे क्रूज कंट्रोल एंड जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है एंड अगर स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करें तो वो आपको सिर्फ टिल्ट वे ही देखने को मिलती है, टेलीस्कोपिक नॉट अवेलेबल। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स है जहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड पे हेडलाइट एंड टर्न इंडिकेटर के, जहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प का फीचर भी देखने को मिल जाता है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, विच इज़ अगेन अ बिग चेंज। आपको एल्ट्रॉस रेसर में यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। जो इतना कुछ पार्ट है आपको सेंटर में वो आपको फुल्ली डिजिटल मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे टैकोमीटर है, राइट हैंड साइड पे आपको फ्यूल मीटर मिल जाता है कूलेंट टेम्परेचर के साथ। सेंटर में आपको डिजिटल MID मिल जाती है जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करती है, जैसे टाइम हो गया, डिजिटल स्पीड है, कौन से मोड में है करंटली, ओडोमीटर, डिस्टेंस टू MT, बार का टेम्परेचर, देन नेविगेशन, ये सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के आप लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, लेट मी शोकेस यू। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको तीन व्यूज मिलते हैं, मिनिमल व्यू जो मैंने आपको भी शोकेस किया, देन आपको मिलता है डिजिटल व्यू, तो आपको ऐसा कुछ लेआउट मिलेगा। देन आप अगर डायल व्यू में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा लेआउट देखने को मिलेगा। तो आपको बेसिकली तीन लेआउट्स मिल जाते हैं। अदर सेटिंग्स में आपको यहाँ पे क्लॉक, कैलेंडर, फेवरेट मेन्यू सिलेक्शन, फैक्ट्री रीसेट, अबाउट, ये बैक करने के लिए ये सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आप बैक करेंगे तो आपको बाकी सारे कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन रिच आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो एल्ट्रॉस रेसर में आपको मिलता है 10.25 इंच का फुल्ली टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो ऐप का आपके कनेक्टिविटी है। म्यूजिक सिस्टम में आपको चार स्पीकर्स मिल जाते हैं, चार ट्विटर्स भी है। जो आयरा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी वो सिर्फ आपको R3 वेरिएंट में ऑफर की जाएगी एंड आपको एयर प्यूरीफायर भी वो R3 में ऑफर किया जाएगा, वो दोनों फीचर इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। बाकी आपको जो सेम UI हमने एल्ट्रॉस बेसिकली टाटा लाइनअप में देखी वही आपको सेम देखने को मिल जाती है, उसमें एज सच आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। कंट्रोल्स में आपको यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्लाइमेट, ड्राइव नेक्स्ट, सेटिंग्स, रेडियो, क्विक सेटिंग्स, फोन मीडिया, देन साउंड डेमो, सराउंड व्यू, वॉइस असिस्टेंट, WOT3 वर्ड्स, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक नया इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अब आपको एल्ट्रॉस में इंट्रोड्यूस किया गया है। AC वेंट्स के अराउंड अगेन आपको ऑरेंज एक्सेंट्स मिल जाते हैं, एल्ट्रॉस की बैजिंग है, हैजार्ड लाइट का बटन आपको सेंटर में प्लेस किया जाता है। एक फीचर विच आई थिंक इज़ अ बिग मिस कि आपको यहाँ पे ऑटो डिमिंग RVM नहीं मिलता, इट इज़ मैनुअली एडजस्टेबल। सेंटर में आपको यहाँ पे फ्रंट में LED केबिन लाइट्स देखने को मिल जाती है। वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है आपको R2 वेरिएंट में, विच इज़ अगेन वेरी गुड, जो कि आपको इतनी कुछ साइज़ का डिसेंट साइज मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे को ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर है,
लेकिन आपको ड्राइवर साइड पे वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलता है, इट्स जस्ट कि आपको टिकट होल्डर ऑन ऑफर है। जो ओवरऑल रूफ है कार का, यू विच विल नोटिस कि आपको ऑल ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस में एक डिसएडवांटेज ये है कि कार थोड़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगी अगर आप ज़्यादा देर के लिए पार्क रखेंगे। बाकी ऑल ओवर फिनिश आपको ब्लैक मिलती है इंटीरियर में, कहीं पे भी लाइट टोन का यूज़ नहीं किया गया है। ओवरऑल ग्रैब हैंडल है को ड्राइवर साइड के लिए, की मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, एंड जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको इतने कुछ पोर्शन में ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलता है। जो ग्लव बॉक्स है वो आपको यहाँ पे इल्यूमिनेशन के साथ मिल जाता है, जो साइज़ हमने देखी है एल्ट्रॉज में आपको काफ़ी डीप इनफ देखने को मिलता है, वही सेम कैरी फॉरवर्ड किया गया है। नीचे की तरफ आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप फैन स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। एक्सप्रेस कूल का फीचर भी मिल जाता है, बेसिकली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस में जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो कार जल्दी ठंडी हो जाएगी। चार्जिंग सॉकेट्स में आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, टाइप सी है, यूएसबी मिल जाता है, एंड आपको वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाता है जो कि R2 वेरिएंट में ऑन ऑफर है। 6 स्पीड का आपको मैनुअल गेयरबॉक्स ऑन ऑफर है, ट्विन कप होल्डर्स है मैनुअल हैंडब्रेक के साथ, ड्राइवर आर्मरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर स्टोरेज नहीं मिलती है, इट्स जस्ट कि आपको स्लाइडेबल देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ऑल्सो आपको 360 कैमरा अवेलेबल है, लेट मी शोकेस यू द क्वालिटी। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो जो ओवरऑल क्वालिटी है वो आपको ऐसी कुछ ऑन ऑफर मिलेगी, जो हमने अक्रॉस देखी नेक्सॉन में, सफारी में, हैरियर में, वही सेम आपको क्वालिटी ऑन ऑफर है। 2D 3D फ्रंट का व्यू, रियर का व्यू, सेटिंग्स भी आपको देखने को मिल जाती है, तो आपको ऐसी कुछ क्वालिटी मिल जाती है 360 कैमरा की। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं कि अगर आप R1 से R2 वेरिएंट में स्विच करते हैं तो आपको कौन से फीचर्स एक्सक्लूसिव मिल जाएंगे, एंड ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी सेफ्टी फीचर्स आपको ऑन ऑफर है एल्ट्रॉज रेसर एडिशन में। ऑल्सो आपको यहाँ पे इंटीरियर में रेड एमिट लाइटिंग का यूज़ काफ़ी जगह देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल जहाँ पे एल्ट्रॉज लिखा है इसके सेगमेंट के अराउंड आपको यहाँ पे एमिट लाइटिंग मिल जाएगी रेड कलर में। जो वायरलेस चार्जर है उसके सराउंड भी आपको देखने को मिल जाती है, एंड जो फुटवेल लाइटिंग है वो भी आपको यहाँ पे रेड कलर में देखने को मिल जाती है, जो कि आपको दोनों ड्राइवर को ड्राइवर में देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कार के सेकेंड रो के बारे में कि बेसिकली आपको सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए स्पेस, कंफर्ट एंड फीचर्स वाइज क्या ऑन ऑफर है। सबसे पहले जो पीछे का डोर है वो भी आपको 90 डिग्री ओपनिंग में देखने को मिल जाता है। पावर विंडो का कंट्रोल यहाँ पे प्लेस किया गया है। इंटीरियर डोर हैंडल आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में ही देखने को मिलता है। आर्मरेस्ट एरिया में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, स्पेस है थोड़ी सी बॉटल रखने के लिए, एंड स्पीकर यहाँ पे प्लेस किया जाता है। जो पीछे की सीट्स है वो भी आपको ऑल ब्लैक अपहोल्स्ट्री में देखने को मिलती है, लेदरेट अपहोल्स्ट्री है स्टिचिंग के साथ जो कि आपको यहाँ पे की जाती है ओवरऑल, एंड स्ट्राइप्स मिल जाते हैं इन द सेंटर। पीछे की तरफ हेडरेस्ट पे आपको रेसर की बैजिंग देखने को नहीं मिलती है, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, थर्ड हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, एंड पीछे की सीट्स आपको बेंच टाइप फोल्डिंग में आती है, 60-40 स्प्लिट नहीं है। सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है लेकिन उसमें कप होल्डर्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स आर प्लेस्ड हियर। बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट वाइज, तो स्पेस एंड कंफर्ट वाइज ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको नॉर्मल एल्ट्रॉस से। माय हाइट है 6'2", फ्रंट की ड्राइवर सीट मेरा इट्स एडजस्टेड है। एज यू कैन सी जो नी रूम और लेग रूम है वो आपको डिसेंट इनफ ही बचता है, अगर दो टॉयलेटेड पैसेंजर एक साथ बैठेंगे कार में तो आपको इतना कुछ नी रूम लेग रूम ऑन ऑफर होगा। जो थाई सपोर्ट है दैट इज़ ऑल्सो डिसेंट इनफ, ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड सेकेंड रो से, विच लुक्स क्वाइट गुड एंड स्पोर्टी। इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होता है। कोई भी सेपरेट हेलोजन लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी, विच इज़ अ बिट सरप्राइजिंग कि आपको सेकेंड रो में कोई भी रीडिंग लैंप देखने को नहीं मिलता है। ग्रैब हैंडल है कोट हुक के साथ, एंड आपको यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल अलॉन्ग विद कोट हुक देखने को मिल जाता है। एंड एज आई मेंशन जो ऑल ओवर रूफ है वो भी आपको ब्लैक फिनिश में देखने को मिलती है, तो जो पूरा इंटीरियर है वो आपको ब्लैक अपहोल्स्ट्री में ही देखने को मिलेगा ओवरऑल। पीछे अगेन आपको यहाँ पे एसी वेंट्स अवेलेबल है विच आर प्लेस्ड हियर, एंड आपको यहाँ पे यूएसबी सॉकेट भी देखने को मिल जाता है चार्जिंग के लिए, विच यू कैन सी हियर। सो ये था एवरीथिंग अबाउट द सेकेंड रो ऑफ द कार। सो ये था द ऑल न्यू टाटा एल्ट्रॉज रेसर का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज इसकी प्राइसिंग की। सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर ये पर्टिकुलर रेसर एडिशन आपको 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, एंड आज हमने कवर किया दैट इज R2 वेरिएंट। जो एल्ट्रॉज रेसर का बेस वेरिएंट है R1 वो स्टार्ट होता है फ्रॉम ₹9.5 लाख एक्सशोरूम इंडिया। अगर आप R2 बाय करते हैं तो दैट वुड कॉस्ट यू ₹10.5 लाख एक्सशोरूम इंडिया, जो कि हमने आज कवर किया। अगर आप टॉप एंड R3 वेरिएंट कवर करते हैं या फिर बाय करना चाहते हैं तो आपको मिलता है ₹11 लाख एक्सशोरूम इंडिया। कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको ये पर्टिकुलर टाटा एल्ट्रॉज का रेसर एडिशन कैसा लगा, व्हाट आर थॉट्स अबाउट द इंटीरियर एक्सटीरियर, एंड सबसे फेवरेट फीचर आपका कौन सा था। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।